नमस्कार मणिगुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरत। अक्सर जब हम कहीं छुट्टियों पर जाते हैं या फिर रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं तो घर को केवल ताला लगाकर छोड़ने से डर जाते हैं। कई बार पड़ोसियों को भी घर की देखभाल करने के लिए कह देते हैं क्योंकि गैर हाजिरी में घर में चोरी होने या फिर कोई अनहोनी होने का डर हमेशा ही सताता है। ऐसे में होम इंश्योरेंस आपके घर को सुरक्षा कवच मुहैया कराता है। होम इंश्योरेंस न केवल चोरी होने पर आपके नुकसान की भरपाई करता है बल्कि भूकंप, आग लगने समेत अन्य कई वजहों से हुए नुकसान को भी कम करने का काम करता है। तो क्या है ये होम इंश्योरेंस, क्या है होम इंश्योरेंस लेने के फायदे और किस तरह के होम इंश्योरेंस होते हैं और आपका घर का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आज हम मनी गुरु में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बेस्ट फ्रेंड कंसल्टेंट LLP के फाउंडर सुशील जैन जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को यही समझाइए कि आखिरकार हम अपने घर को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। देखिए, घर को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी सही तरीके से आपने बताया, होम इंश्योरेंस एक अच्छा जरिया है। हम लोग काफ़ी टाइम सोचते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है तो हमें इतना टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, लेकिन होम इंश्योरेंस आपको इस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जो आपको सिक्योरिटी के साथ साथ लॉस होने पर आपको सारे पैसे वापस मुहैया भी कराता है। तो इसीलिए आपको होम इंश्योरेंस की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तब आप फ्रीली कहीं बाहर जाना आने में कभी भी टेंशन नहीं लेंगे। बिल्कुल, तो घर से बाहर आने जाने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, किसी तरह का डर नहीं लगेगा अगर आपने होम इंश्योरेंस लिया हुआ है। लेकिन अगर हम दर्शकों को सही तरीके से समझाएं तो होम इंश्योरेंस क्या है, उससे जुड़ी हुई तमाम बारीकियां क्या है सुशील जी? देखिए, होम इंश्योरेंस एक किस तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं इंश्योरेंस कंपनियां। उसमें जब भी आपको लॉस होता है किसी वजह से, चाहे वो चोरी हो या कभी फायर की वजह से हो या अर्थक्वेक आने की वजह से हो, तो वो जो नुकसान होता है वो सारा चीज़ नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करते हैं। तो ये इंश्योरेंस लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस तरह का प्लान लेना है। आपके लिए एडवाइजरी ये होता है कि आपके घर के साथ साथ आपके कंटेंट की भी आप इंश्योरेंस कराएं, जिससे कि आपको घर में जो सामान है उसका भी नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई हो सके। ये दो तरह की इंश्योरेंस होती है होम इंश्योरेंस में, एक स्ट्रक्चर की होती है जो बिल्डिंग क्या कहते हैं हम, और दूसरा होता है उसमें रखे सामान की। तो स्ट्रक्चर और सामान की भी जो है होम इंश्योरेंस के तहत आप कवर ले सकते हैं। लेकिन क्या सुशील जी, प्राकृतिक आपदा के तहत जो नुकसान होता है उसका कवर भी हमें होम इंश्योरेंस के तहत मिलता है? जी बिल्कुल, होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्या क्या आपकी पॉलिसी में इंक्लूड किया जा रहा है और क्या एक्सक्लूड किया जा रहा है। ज़्यादातर पॉलिसियाँ आपको प्राकृतिक आपदा की कवर भी देती है, आपका अगर फ्लड से होती है, अर्थक्वेक से होता है, जो भी नुकसान वो आपका कवर किया जाता है। तो आप जब प्लान लेते हो उस टाइम पे आपको ये चीज़ ये बारीकियाँ से देख लेना चाहिए। और अगर आप जैसे फ्लड एरिया जहाँ जिस एरिया में रहते हो वहाँ फ्लड अगर ज़्यादा आता है तो आपको फ्लड का कवर जरूर ले लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अर्थक्वेक प्रोन एरिया होते हैं कई जगह, काफ़ी भूकंप वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर ये आपको ख्याल रखना है कि उस पॉलिसी में आपका भूकंप के भी कवर हो। तो ये सब बातें देखते हुए, अपनी ज़रूरत को देखते हुए होम इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ जो है वो भी आपको कवर मिलता है। लेकिन अगर घर पर आग लगने जैसी घटना हो जाती है या फर्ज कीजिए कि जब हम घर पे नहीं हैं उस वक्त किसी तरह की चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, तो क्या उसके लिए भी कवर मिलता है इसमें? जी बिल्कुल, आपका जब कवर लेते हैं तो इसमें आठ नौ तरीके के कवर्स अलग अलग होते हैं, जैसे फायर के साथ साथ आपका फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह तो होता ही है, आपके चोरी डकैती का भी आप कवर ले सकते हैं, इवन आपके ब्रेकडाउन सामान के ब्रेकडाउन्स के भी कवर आप ले सकते हैं कि कोई सामान आपका ख़राब हो गया हो, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन का भी लेते हैं कि आपके यहाँ सर्वेंट है तो घर में अगर उनको कोई नुकसान पहुँचता है तो आप उनके भी कवर ले सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी तरीके की 8 से 10 तरीके की चीज़ें होती है जो होम इंश्योरेंस में कवर होती है। आपको कवर लेते वक्त ये चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप वो चीज़ कवर लें। मेनली आपको जैसे प्राकृतिक आपदा हुई, जैसे फ्लड हुआ, चोरी हुई, इस तरह की चीज़ें कुछ चीज़ें हैं वो तो आप ले ही लीजिए कवर, उसके अलावा आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप कवर ले सकते हैं।
तो अपनी ज़रूरत का ख्याल रखिए और होम इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा। अपने घर को सुरक्षित बनाने का इससे बेहतर जरिया आपको नहीं मिल सकता है। सुशील जी, आपने बताया कि घर में रखा हुआ सामान जो है उसका भी हम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, लेकिन घर पे पड़ी हुई अगर ज्वेलरी होती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग छोटी मोटी ज्वेलरी जो है वो घर पर ज़रूर रखते हैं और भारतीयों में तो खैर ये आदत काफ़ी होती भी है, तो ऐसे में अगर हमारे गैर मौजूदगी में अगर किसी तरह की कोई चोरी हो जाती है और ज्वेलरी चोरी हो जाती है तो क्या उसका भी कवर मिलता है? जी बिल्कुल, उसका भी कवर होता है। जब आप घर के कंटेंट सामान की लिस्ट बनाएं, उसमें आपको मेंशन करना होता है, आपको लिस्ट बनानी होती है कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर करवानी है। तो आप बेहतर होगा आप लिस्ट बनाते वक्त आप अलग अलग बाइफरकेशन कर लीजिए कि फर्नीचर अलग, क्लोथिंग अलग, ज्वेलरी अलग, इस तरह से डिफरेंट हेड करके उसकी डिटेल आप नोट कर लीजिए, उसके वैल्यूएशन निकालिए, आज की डेट की मार्केट वैल्यू जो होती है वो निकालिए और वो आप अपनी पॉलिसी में मेंशन कीजिए। उसी के बेस पे आपका प्रीमियम काउंट होता है, कैलकुलेट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी और फिर आपको कवर प्रोवाइड कराती है। तो जब आप कभी घर पे हो या ना हो, दोनों ही केसेस में अगर चोरी हो या डकैती हो, तो उस दोनों ही केसेस में उन लोग आपको उसकी भरपाई करते हैं। बिल्कुल, तो आपकी भरपाई जो है वो पूरी होती है, क्योंकि अगर आपका चोरी हुआ है कुछ भी सामान और अगर आपने उसको लिस्ट में पहले से शामिल किया हुआ है तो उसका कवर आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन कब होम इंश्योरेंस लेना जो होता है सुशील जी, वो सही रहता है? फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने अगर किराए पर मकान दिया हुआ है तो ऐसे में क्या उसके लिए ये सही रहेगा कि वो होम इंश्योरेंस ले? देखिए, ये एक काफ़ी ये है कि मकान जो अपना हो उसी का ही होम इंश्योरेंस लें, लेकिन ये गलत धारणा है। आप चाहे किराए पे मकान दो या आप खुद किराए पे रहो, दोनों ही केस में आपको होम इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपका अपना मकान है और आप खुद रह रहे हो, तो आपको अपने मकान की और अपने सामान की रखवाली के लिए आपको इंश्योरेंस, सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस लेनी ज़रूरी होती है। इसी तरह अगर आप मकान किराए पे देते हो, तो स्ट्रक्चर तो आप ही को बिलोंग करता है, तो आपको स्ट्रक्चर की इंश्योरेंस आपको करानी चाहिए, कंटेंट की इंश्योरेंस किराएदार खुद कराए। तो इसे अगर आप किराएदार हो, तो आपको अपने कंटेंट की इंश्योरेंस पहले करानी चाहिए और स्ट्रक्चर की इंश्योरेंस आपका लैंडलॉर्ड करवा लेगा। बिल्कुल, तो स्ट्रक्चर के इंश्योरेंस जो है वो लैंडलॉर्ड करा सकता है अगर आप किराए पर रहते हैं, लेकिन चाहे आपने अपना घर जो है किराए पर दिया हुआ है या खुद आप किराए पर रहते हैं, होम इंश्योरेंस का फायदा जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो कम से कम उसका कवर जो है वो आपको मिल सकता है। लेकिन सुशील जी, इसका प्रीमियम जो होता है वो कैसे तय होता है? क्या घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या फिर बाकी चीज़ों पर इसका प्रीमियम निर्भर करता है? बिल्कुल, होम इंश्योरेंस वैसे सबसे सस्ता इंश्योरेंस में आते हैं। कोई भी आप इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो होम इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता होता है। आपके इंश्योरेंस के जब प्रीमियम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन अगर पुराना कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे आपके प्रीमियम दर ज़्यादा हो सकती है और न्यू कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। इसी तरह अगर आप वहाँ पे कुछ सेफ्टी पॉइंट लगा रखे हो, कैमरा लगा रखे हो या सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हो, तो उस केस में आपको कुछ डिस्काउंट भी अलाउ करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरीके से प्रीमियम कैलकुलेशन करते हुए, कुछ चीज़ों का इंश्योरेंस कंपनी ध्यान रखते हुए आपको उसका बेनिफिट भी देती है, अगर आपने उसका प्रिकॉशन ले रखा है इन सब चीज़ों का। तो और अगर हमें अपना प्रीमियम कम करना हो, जैसा कि हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की सूरत में कि अगर हम लगातार कई साल तक क्लेम नहीं करते हैं तो प्रीमियम का अमाउंट कई बार कम हो जाता है, कई बार कवर का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों कुछ होम इंश्योरेंस में भी होता है? बिल्कुल, नो क्लेम बोनस तो आपको मिलता है। अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया हो लास्ट ईयर की पॉलिसी पे, तो आपको उसको कुछ नो क्लेम बोनस मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी ले लेते हैं, जैसे कि आप फायर इंश्योरेंस में है, आप स्ट्रक्चर के लिए 8-10 साल की इकट्ठा पॉलिसी ले लेते हैं, तो लगभग 50% तक का आपका प्रीमियम कम हो सकता है। तो ये आप एक ध्यान रखने की चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या क्या वो चीज़ें लगा रखे हो अपने घर पे, तो उससे भी आपको प्रीमियम कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप बात का ध्यान रखिए और जो चीज़ की ज़रूरत हो उन्हीं को आप कवर कीजिए। कई बार आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ कभी फ्लड का कोई चांस ही नहीं आने का, और आप उसको फ्लड कवर भी ले रहे हो, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो वो भी आपको एक ध्यान रखते हुए, पॉलिसी कवर को देखते हुए ही आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ये बहुत अहम बात है कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर फ्लड आने का चांस नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप कवर ले रहे हैं तो इससे आपका प्रीमियम बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह की चीज़ों का खैर आप प्रीमियम ना भरें, यानी कि कवर जो है इस तरह के ना भी लें। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं सुशील जी, पहले उनके पास चलते हैं फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ समीर मित्रा जी जुड़े हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे ये सवाल था कि मैंने अपना एक अकाउंट खुलवाया था, सॉरी,
एचडीएफसी बैंक के अंदर. सो जब मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था तो उन्होंने फॉल्सफुली अपनी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये कह के मेरे को भेजी है कि ये आपकी एफडी है, आप इसको करा लीजिए, जिसका जो प्रीमियम है सालाना वो 1,00,000 रुपए तक का है. तो उसके बाद जो है फिर मेरा हमें सिर्फ यही था कि ये जो है मेरी एक एफडी है, चलो 1,00,000 रुपए अपना पड़ा रहेगा. पर उसके बाद जो है ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की, 2009 के अंदर जो है मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था, जिसके बाद फिर ये मैं केस फॉलोअप नहीं कर पाया. जब मैं वापस आया तो इस केस को जब मैंने देखा, फिर मैं एचडीएफसी वालों के पास गया तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो है ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. तो मेरा सवाल सर यही है कि इस केस के अंदर, क्योंकि ये मेरे को पॉलिसी जो है वो एफडी कह के बेची गई है लाइफ इंश्योरेंस, तो इस सिचुएशन में जो है मैंने अपना रिफंड लेना है बैंक से, वो कैसे ले सकते हैं? देखिए समीर जी, थोड़ा सा इसमें आपको डिले हो रहा है आपका इसमें, क्योंकि ये जो पॉलिसी जब आती है उस दिन 15 डेज आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है उनसे, अगर आपको ये पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी. और क्योंकि आपने कहा कि ये एफडी के नाम पे दी गई है, तो इस तरह का अगर आपके पास कोई एविडेंस है जिसमें आप उन्होंने लिख के दिया हो कि एफडी करा रहे हैं, तो फिर भी आप क्लेम कर सकते हैं और आपको कुछ रिफंड आ सकता है उसमें. अदरवाइज 15 डेज के पास आप क्लेम पॉलिसी को कैंसिल करने का टाइम होता है 15 डेज, और या फिर अगर आप इसको सरेंडर करना चाहें तो कम से कम 3 साल का प्रीमियम आपको भुगतान करना होता है, जो कि अपने केस में हुआ नहीं है. तो उस केस में भी आपको सरेंडर वैल्यू भी नहीं बनती है, तो इस केस में थोड़ा आपके लिए कुछ क्लेम मिलना या रिफंड मिलना थोड़ा मुश्किल होगा. कुछ एक तो सवालों को पहले शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास इस वक्त फेसबुक के जरिए आए हुए हैं. शुभम पाल का एक सवाल आया हुआ है, ये जानना चाहते हैं कि अगर 50,00,000 रुपए का घर है तो इसका इंश्योरेंस कितने का होगा, कितना प्रीमियम मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं कि इन्हें भरना पड़ेगा. देखिए अगर 50,00,000 का आपकी घर की कंस्ट्रक्शन वैल्यू आप बता रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको स्ट्रक्चर के आपका इंश्योरेंस कवर लेना है तो ये लगभग आपको 3,000 रुपये तक का, आपको सिर्फ फायर का अगर आपको कवर करना है तो उतना 3,000 रुपये तक में आपको आराम से मिल जाएगा. लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको फ्लड, अर्थक्वेक या अदर चीज़ों को भी कवर करना है तो अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है. तो आप कंफर्टेबली अगर सारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं और कंफर्टेबली अराउंड आपको 4,000 के आसपास तक मेरे ख्याल से आपको अच्छा प्लान मिल जाना चाहिए. बिल्कुल. तो शुभम जी, आपको करीब 4,000 के प्रीमियम पे जो है वो प्लान मिल जाना चाहिए होम इंश्योरेंस का अपने लिए. और राकेश कुमार जी ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस किससे करवाना ठीक रहेगा, कंपनीज के नाम शायद ये जानना चाहते हैं. देखिए कंपनी का सिलेक्शन करते वक्त आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है. आपका क्लेम रेशियो आप देखिए, जिन कंपनी के अच्छे हों क्लेम रेशियो, क्लेम सेटलमेंट का टाइम पीरियड कितना लग रहा है वो आप देखिए. प्रीमियम का चार्जेज आप देखिए, थोड़ा वेराई करता है कंपनी टू कंपनी और एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप हैं तो उस एरिया में कौन सी कंपनी का क्या प्रीमियम चार्जेज हो रहे हैं. वो प्रीमियम का कैलकुलेशन एक्सपीरियंस के बेस पे इंश्योरेंस कंपनी करती है. तो आप उस तरीके से थोड़ा सा आपको स्टडी करना होगा और उस आप कर सकते हैं. जनरल इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस भी करती हैं, इवन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी है, एचडीएफसी है, आप कर सकते हैं, आप आईसीआईसीआई से भी करा सकते हैं. बिल्कुल. तो उम्मीद करते हैं राकेश जी कि आपको भी आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा. अच्छा सुशील जी, जैसा कि अभी ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, अगर किसी ने अपने होम इंश्योरेंस का क्लेम लेना है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए जब ऐसी सिचुएशन आती है जब क्लेम का, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. एक तो पहले इसी टाइम पर आपको थोड़ा डैमेज कंट्रोल का देखना होता है कि कितना आप डैमेज को कंट्रोल कर सकें. उसके बाद जब क्लेम फॉर्म आपको फिल करना होता है, एक क्लेम फॉर्म होता है हर कंपनी का, आप उसको प्रॉपर तरीके से फिल कीजिए. एंड उसमें आपको जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी फायर का कुछ डैमेज हुआ है तो आपको फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट चाहिए होगी. अगर थेफ्ट है, बर्गलरी है, तो आपको वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट चाहिए होगी. इसके अलावा जो जो सामान है उसकी पूरी लिस्ट बनाइए, जहाँ जहाँ आपको नुकसान हुआ है उनका टेंटेटिव वैल्यू क्या है रिप्लेसमेंट का, या जो मार्केट वैल्यू थी नुकसान की वो आप बना के दीजिए उनको, इंश्योरेंस कंपनी को. और आपको जो भी नुकसान हुआ है हर चीज़ की आपकी फोटोग्राफी या वीडियो बना के रखिए, जो भी चीज़ का डैमेज हुआ है. और डैमेज सामान को आपको संभाल के रखना है, इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर आएंगे और वो चेक करते हैं. इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका क्लेम सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा और उसमें कोई डिनाई नहीं होगा. लेकिन अगर आप सामान को सही संभाल के नहीं रखें तो हो सकता है कि आपका क्लेम में प्रॉब्लम आए.
बिल्कुल, तो क्लेम में जो है दिक्कत आ सकती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस सामान का भी नुकसान हुआ है उसे भी आप ज़रा संभाल के रखिए, क्योंकि चेक करने जो आएंगे वो ये भी देख सकते हैं कि वाकई कुछ नुकसान हुआ है या आप एक गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लेम करने के लिए, जब ज़रूरी कागजात की लिस्ट बनती है, तो क्या इसमें पुलिस की FIR की कॉपी या फिर फाइनल रिपोर्ट भी लगती है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, अगर आपका थेफ्ट या बर्गलरी है तो आपको पुलिस रिपोर्ट तो करानी होगी और पुलिस से रिपोर्ट लेनी होगी आपकी चोरी की। तो वो फाइनल रिपोर्ट्स पुलिस वेरिफिकेशन की चाहिए होती है उनकी। और उसके इसी तरह अगर फायर की है तो आपको फायर ब्रिगेड से भी रिपोर्ट लेनी ज़रूरी होती है। बिल्कुल, तो आपकी पुलिस की FIR की कॉपी जो है वो भी आपको देनी पड़ सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको खास ख्याल रखना होगा जब आपको क्लेम करना है, तो ये ज़रूरी कागजात की लिस्ट जो है ये आपको ज़रूर देनी होगी। लेकिन हम अगर होम इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इस पर हमें क्या किसी तरह के प्रीमियम पर छूट भी मिल सकती है अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स अपने घर पर अपना लें, जैसे कि अब हमने अगर CCTV लगवा लिया या फायर इंश्योरेंस फायर का अलार्म लगा लिया, तो क्या इन सब चीज़ों से हमें छूट मिल सकती है प्रीमियम पर? बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे आप आज की डेट में अगर हेल्थ प्लान लेते हैं और आप अगर फिटनेस रहते हैं, आप प्रॉपर तरीके से डाइट लेते हैं, जिम जाते हैं, उनमें आजकल डिस्काउंट देना शुरू कर दिया हेल्थ पॉलिसीज़ पे। इसी तरह आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अगर आपने 24/7 गार्ड रखा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड, तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। आपने अगर फायर के लिए कुछ प्रिकॉशन ले रखे हैं तो वो फायर पॉलिसी जब फायर का कवर लेते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है। इवन बाकी CCTV कैमरा वगैरह लगा के रखे हैं तो आप अगर अपनी सेफ्टी रखें, प्रॉपर मेंटेन रखते हैं घर का, रिपेयरिंग वगैरह प्रॉपर रखते हैं, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आपको प्रीमियम में भी डिस्काउंट मिलता है, साथ में आपकी सेफ्टी भी बनी रहती है। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है होम इंश्योरेंस के प्रीमियम पर थोड़ा सा डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास फेसबुक के जरिए आया हुआ है हेमंत का। ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस कितने से शुरू कर सकते हैं, इन्हें थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए इस बारे में। मतलब मेरे को लगता है कि ये जानना चाहते हैं कि शायद होम इंश्योरेंस जो है उसका मिनिमम टू मिनिमम प्रीमियम कितना होता होगा। देखिए, प्रीमियम डिपेंड करता है आपके समय स्लॉट के ऊपर। सो आपको क्या क्या चीज़ कवर करानी है। अगर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर कवर कराना है तो सिर्फ, और उस वो भी अगर फायर से ही कराना है आपको, बाकी कुछ और चीज़ों को कवर नहीं लेना है, तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन आपको एडवाइजेबल है कि आप प्रीमियम कम पे ना जाके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस लीजिए, सो डेट कि अगर कुछ नुकसान होता है, कुछ मिसहैपनिंग होती, तो आपको भरपाई पूरी तरीके से हो पाए। अब ये 1,500 रुपये बचाने के लिए अगर आप जाएंगे तो बाद में लाखों का नुकसान हो सकता है। हेमंत जी, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 1,500 रुपये बचाने के लिए अभी सोचा तो हो सकता है आगे जाके आपको लाखों का नुकसान हो जाए, तो बेहतर है कि थोड़ा सा पैसा अगर ज़्यादा खर्च लेंगे तो सही रहेगा। अच्छा, एक और मुद्दे पे भी मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी जो कि अक्सर हमसे दर्शक पूछते भी हैं, होम लोन का इंश्योरेंस ये आखिरकार हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी तमाम बारी क्या क्या है? देखिए, जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं तो सबसे पहले तो बैंकर ही आपको बोलता है कि इसकी आप इंश्योरेंस कराइए, ठीक है। बट इसमें दो तरीके के इंश्योरेंस होता है। एक, आप टर्म प्लान ले लीजिए, इक्विवेलेंट जितना आपने लोन लिया उसके इक्विवेलेंट आप एक टर्म प्लान ले सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस के साथ एक होम लोन के रिगार्डिंग एक इंश्योरेंस आता है जो कि होम लोन के जैसे जैसे किस्तें कम होती आती है, आउटस्टैंडिंग लोन कम होता है, वो उसको एडजस्ट करते हुए कम हो जाता है। तो आपको एडवाइजेबल है एक टर्म प्लान आप लीजिए, और लंबे अवधि का टर्म प्लान लीजिए आप, और उस पॉलिसी को फिर आप असाइन कीजिए बैंकर को, तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आपको जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आप ये समझ लीजिए कि होम लोन की ही किस्त जा रही है, जहाँ 5,000 या 10,000 की आपकी या जो भी किस्त जा रही है उस पर 1,000-2,000 एक्स्ट्रा समझ के आप आगे बढ़ जाइए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके इंश्योरेंस भी हो जाएगी और टर्म प्लान भी आपका साथ साथ चलता रहेगा। तो टर्म प्लान भी आपका साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन इस तरह का होम लोन का इंश्योरेंस लेते हुए सुशील जी हमें और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब होम लोन का इंश्योरेंस लेना हो तो आपको एक तो जो भी इंश्योरेंस ले वो इतना ज़रूर हो टर्म प्लान आपका कि वो होम इंश्योरेंस की लाइबिलिटीज़ को कवर करे, जो जितना आउटस्टैंडिंग लोन है उससे अधिक थोड़ा ले सकते हैं लेकिन कम ना हो। दूसरी चीज़, जो होम इंश्योरेंस की अवधि है, अगर 20 साल है, 15 साल है, तो जो आप टर्म प्लान ले रहे हो उसकी अवधि उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये दो चीज़ मेन है जो आपको देख के लेनी है, और क्योंकि टर्म प्लान भी बहुत ज़्यादा महंगा आता नहीं है तो आप बहुत इजीली इसको एज एन EMI के तरीके से आप ले सकते हो कि हर महीने आप उसको जाता रहे पैसा आपका, और आपका कवर भी चले और कवर के साथ साथ आपका घर भी सिक्योर रहे।
बिल्कुल, तो इस तरीके से आप अपने घर को जो है एक सुरक्षा कवच मुहैया करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि कैसे वो अपने घर को एक सुरक्षा कवच मुहैया करा सकते हैं, कैसे होम इंश्योरेंस के जरिए आप वो अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।